Hello, my dear students. Welcome back to my new video. Myself Anjali. Today I will explain you chapter number 3, Sayuktakshar Shabd. ठीक है? Sayuktakshar Shabd. किसके? Shabd, tra, gya, shra. ठीक है? ये जो व्यंजन है इनके रिलेटेड हम शब्द पढ़ेंगे. ओके? Now shabd. Shabd लिखा है मैंने. क्र प्लस श, ठीक है. इसके रिलेटेड हम अब यहाँ पे शब्द बनाएंगे. ठीक है? लाइक कक्ष, कक्ष. टू नंबर रक्षा, टू नंबर रक्षा. थ्री नंबर शिक्षा, थ्री नंबर क्या लिखा है? शिक्षा. ओके. फोर नंबर परीक्षा, फोर नंबर परीक्षा. फाइव नंबर दीक्षा, फाइव नंबर दीक्षा. ओके. अगेन हम रिपीट करते हैं. फाइव शब्द मैंने लिखे हैं यहाँ पे श के. कक्ष यानी कमरा. ओके. टू नंबर रक्षा यानी आपको भी बचाता है, दैट इज रक्षा करता है, रक्षा. थ्री नंबर शिक्षा, जो हम आपको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते, ज्ञान देते हैं. ओके. शिक्षा. फोर नंबर परीक्षा, जो एग्जाम देते हो आप. फाइव नंबर है दीक्षा. दीक्षा यानी जो संत महात्मा लोग दीक्षा लेते हैं उसको बोलते हैं दीक्षा. ठीक है? दीक्षा नाम भी होता है किसी का. ओके. नाउ नेक्स्ट है व्यंजन त्र. अब हम त्र के रिलेटेड शब्द लिखेंगे. त्र, तो त्र में त में र की मात्रा है ये, और प्लस द त्र. ठीक है? त्र. अब त्र से शब्द है वंजन वर्ग में पत्र, पत्र. इत्र मित्र, चित्र त्रिकोण, त्रिकोण. नाउ वन नंबर पत्र यानी लेटर, पत्र यानी लेटर, चिट्ठी. ठीक है? उसको पत्र बोलते हैं. टू नंबर इत्र, इत्र यानी परफ्यूम. ठीक है? इत्र की वो परफ्यूम की छोटी छोटी सी बॉटल आती है ना, उसको इत्र बोलते हैं, उसको इत्र बोलते हैं, इत्र. टू नंबर इत्र. थ्री नंबर में है मित्र. मित्र का मतलब क्या होता है? फ्रेंड, दोस्त, आपके दोस्त, मित्र. फोर नंबर चित्र. क्या है ये? चित्र. चित्र का मतलब होता है पिक्चर. क्या होता है चित्र का मतलब? पिक्चर. फाइव नंबर त्रिकोण, त्रिकोण. त्रिकोण का मतलब होता है ट्राइंगल. यस, ट्राइंगल को बोलते हैं त्रिकोण. ट्राइंगल को बोलते हैं त्रिकोण. सो त्र का, त्र के पांच शब्द हमने कंप्लीट किए हैं, पत्र, इत्र, मित्र, चित्र, त्रिकोण. नाउ नेक्स्ट ज्ञ. ज्ञ से ज्ञानी वाला ज्ञ. ठीक है? तो ज में र की माता, उज्ञ. ठीक है? यज्ञ फर्स्ट है ये, यज्ञ. टू नंबर में है ज्ञान, ज्ञान. थ्री नंबर में ज्ञानी. फोर नंबर में आज्ञा. फाइव नंबर में अज्ञान. सी वन नंबर में यज्ञ. यज्ञ आपको पता ही है जो बड़े बड़े मंदिरों में होता है यज्ञ. ठीक है? जो पंडित करवाते हैं यज्ञ, वो आपने देखा ही है, उसको यज्ञ बोलते हैं. टू नंबर ज्ञान. ज्ञान यानी आपको किसी चीज के बारे में आपको नॉलेज है. ठीक है? इस चीज के बारे में आपको पता है, उसको बोलते हैं ज्ञान. थ्री नंबर ज्ञानी. ज्ञानी मीन्स जिसको बहुत सारा नॉलेज होता है. ठीक है? उस पर्सन को बोलते हैं ज्ञानी. ओके. फोर नंबर आज्ञा. फोर नंबर है आज्ञा. आज्ञा का मतलब होता है परमिशन. क्या आपने परमिशन ली है? ऐसा आज्ञा का मीन्स परमिशन. फाइव नंबर अज्ञान. अज्ञान, अज्ञान का मतलब जैसे कि ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज वाला होना, अज्ञान का मतलब जिसे कोई नॉलेज नहीं हो. ठीक है? जिसे कोई जानकारी ना हो उसको बोलते हैं अज्ञान. ठीक है? जिसे जानकारी नहीं हो. ओके. सो फिर से हम रिपीट करते हैं. यज्ञ ज्ञान, ज्ञानी आज्ञा, अज्ञानी.
तो ये य वाले फाइव वर्ड्स। नाउ लास्ट श्र, श्र में स में र की मात्रा है और प्लस र है श्र, तो सम श्र से ये फाइव शब्द मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं। वन नंबर श्रम, टू नंबर श्रवण, थ्री नंबर आश्रम, फोर नंबर आश्रय, फाइव नंबर श्रमिक। नाउ मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ। वन नंबर श्रम, श्रम का मतलब होता है मेहनत। टू नंबर श्रवण, श्रवण मतलब किसी का नाम भी हो सकता है, श्रवण यानी किसी का नाम। थ्री नंबर आश्रम, आश्रम मीन्स जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, आश्रम, ठीक है। फोर नंबर आश्रय, आश्रय आश्रय यानी कोई अनजान व्यक्ति अगर आपके घर में आता है, कुछ आप आपसे कुछ हेल्प मांगता है तो आप उसकी हेल्प करते हो, अपने घर में थोड़ी देर उसको बिठाते हो, आश्रय आश्रय देते हो। घर में बिठाना मीन्स दैट इज आश्रय देना, उनकी हेल्प करना। मेहमान अगर मेहमान आते हैं आपके घर में, आप उनको घर में बिठाते हो, उनकी मेहमान नवाजी करते हो, दैट इज कॉल्ड आश्रय, ठीक है। श्रमिक, श्रमिक का मतलब होता है जो मजदूर लोग डेली जो काम करते रहते हैं उनको बोलते हैं श्रमिक, ओके। सो दीज आर अवर फाइव शब्द, ये हमारे पांच शब्द हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं आज। हमने श, त्र, य, श, ये चार व्यंजन के हमने शब्द सीखे हैं। नाउ वी विल डू इन टेक्स्ट बुक नंबर 70 में है ये संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर वाले शब्द। देखो यहाँ पे मैंने बोर्ड में भी करवाया है। नाउ वी विल रीड इन टेक्स्ट बुक, ठीक है। पहले श, श से क्या होता है, देखो यहाँ पे बहुत सारे शब्द है तो हम सब रीड करेंगे, सो आपको भी रीड करना है। कक्ष, रक्षा, लक्षण, कक्षा, रक्षक, शिक्षा, अक्षर, दीक्षा, अक्षय, परीक्षा, अक्षत, क्षमा। तो ये बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, श से रिलेटेड। नाउ हम त्र वाले करेंगे, ठीक है। त्र वाले, पत्र, मित्र, त्रिकोण, सत्र, पुत्र, त्रिभुज, इत्र, चित्र, त्रिफला, ठीक है। फिर से पत्र, मित्र, त्रिकोण, सत्र, पुत्र, त्रिभुज, इत्र, चित्र, त्रिफला। तो ये त्र वाले शब्द हैं। नाउ नेक्स्ट ज्ञ, ज्ञ वाले शब्द, यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, अज्ञात, ज्ञानी, अज्ञान। फिर से यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, अज्ञात, ज्ञानी, अज्ञान। तो ये ज्ञ वाले शब्द है। नाउ नेक्स्ट श्र, श्र से श्रम, आश्रम, श्रीमती, श्रमिक, श्रवण, श्रीमान, आश्रय, श्रोता, श्रावण। अगेन हम मैं फिर से रिपीट करती हूँ, श्रम, आश्रम, श्रीमती, श्रमिक, श्रवण, श्रीमान, आश्रय, श्रोता, श्रावण। तो ये हैं शब्द, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको लिखना है फाइव फाइव शब्द सबके, ठीक है। जो मैंने लिखा है वही आपको लिखने हैं, ठीक है। इनमें से फाइव फाइव शब्द आपको लिखने हैं जो मैंने पीडीएफ में भेजा है, आपको नोटबुक में अच्छे से लिखना है। फाइव फाइव शब्द श, त्र, ज्ञ और श्र के,
ठीक है, फाइव फाइव शब्द आपको नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड संयुक्त अक्षर वाले शब्द। हमने बोर्ड में भी सीखा है, हमने टेक्स्ट बुक में भी सीखा है, बहुत सारे शब्द सीखे हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक इन गुड हैंडराइटिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन अवर ऑनलाइन सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।